हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट थिएटर चैनल अल्स नाइन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग टास्क 2 की स्टेटमेंट्स शेयर कर रही हूँ, जिसके नवंबर मंथ के लिए मैंने प्रेडिक्शन की थी कि वर्क और जॉब से रिलेटेड और अलग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड और बहुत से टॉपिक से रिलेटेड मैंने प्रेडिक्शन की थी। प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गई, 100% सही गई। और रिटायरमेंट एज वाला और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वाले, क्राइम वाले, जितने भी टॉपिक्स आए थे वो सारी मेरे प्रेडिक्शन के थ्रू आए थे। तो गाइस, ये वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ एक काइंड ऑफ प्रेडिक्शन वीडियो ही है। तो राइटिंग टास्क इस प्रेडिक्शन वीडियो को जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे अराउंड मैं 3 से 4 आपको स्टेटमेंट बताऊंगी और 5 से 10 आपको टॉपिक्स बताऊंगी, जिससे रिलेटेड आपको अपना प्रिपरेशन जरूर से तैयारी करनी चाहिए। बी कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट्स पता होगी, अगर आपको आइडियाज होंगे उसके बारे में, तो चाहे स्टेटमेंट किसी भी घुमा फिरा के आपको पूछी जाए, आप उसका आंसर दे सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आ सकता है कि अगर टेक्नोलॉजी इन्हांस हो रही है तो फिर जो टेक्निकल बुक्स है, आई मीन ई बुक्स है, वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को रिप्लेस कर सकती हैं। डू यू एग्री और डिसएग्री? इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। टुडे देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स प्रोवाइडिंग न्यूज ऑन इंटरनेट। सम पीपल बिलीव दैट दीज वेबसाइट्स विल टोटली रिप्लेस ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? नेक्स्ट सेकंड वन है, सम पीपल से दैट टू सॉल्व टुडेज ग्लोबल प्रॉब्लम्स एवरी नेशन शुड हैव अ गुड रिलेशनशिप विद अदर नेशंस। देखो यहाँ पे ग्लोबल से रिलेटेड, ग्लोबल से रिलेटेड टॉपिक्स आपको जहाँ भी दिखे, चाहे पॉलिटिकल इश्यू हो, इन्वायरमेंटल इश्यू हो, या फिर कोई सोशल, या कोई आप बोल सकते किसी थिंग को लेके इश्यू, लाइक कोरोना को लेके पिछले बार था, तो अब इसी तरह किसी स्मोक को लेके, नॉइज पॉल्यूशन को लेके, तो इस तरह के, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आजकल ग्लोबल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हर नेशन को एक गुड रिलेशनशिप बनानी चाहिए। क्या सोचते हो, एग्री या डिसएग्री? इसके अगर आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके आंसर भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सम पीपल से दैट स्कूल्स डू नॉट, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जरूर से बनाइएगा। सम पीपल कहते, कुछ पीपल कहती कि स्कूल्स जो है अच्छी तरह से नहीं बताती है हेल्थ के बारे में, और कुछ कहती है कि हेल्थ एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाना चाहिए। एग्री और डिसएग्री? ये भी देखिए हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड है। एक फैशन से रिलेटेड आ सकता है कि कॉपी, आजकल लोग एक दूसरे को देख के कॉपी कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि फैशन इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि वो एक जैसे क्लोथ्स की डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक टी शर्ट को ले लीजिए, अगर किसी सेलिब्रिटी के ब्लैक टी शर्ट पहनी होगी तो यंगस्टर्स में क्या है, वो ट्रेंड चल जाता है कि हाँ ब्लैक टी शर्ट, तो ब्लैक टी शर्ट की बढ़ोतरी हो जाती है, तो इससे इंडस्ट्रीज को, फैशन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है। सो डू यू एग्री और डिसएग्री? तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आ सकती है। टॉपिक में बता देती है, सोशल इश्यूज देखिए, ग्लोबल देखिए, पॉलिटिकल देखिए, और साथ ही में खास करके इन्वायरमेंटल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, एंड गाइस जो दूसरे इश्यूज होते हैं लाइक क्राइम इश्यू हो गया, या फिर बुक से, बुक रीडिंग जो हो गया कि टेक्निकल रिप्लेस कर देगी हमारे ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स को, तो इस तरह की काइंड ऑफ स्टेटमेंट आपको अपने माइंड में प्रिपेयर करनी चाहिए, ताकि एट द स्पॉट ऑफ एग्जामिनेशन यू कैन गिव आंसर एज यू नो, एज अकॉर्डिंग टू योर प्रिपेरेशन। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड डिटेल्ड स्टेटमेंट्स विद आंसर, विद सैम्पल आंसर, 6, 6.5, 7, 7.5, हर तरह की कैटेगरी का सैम्पल आंसर आप लोग साथ में शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू अगेन।